यह इसका रिपर गुरबाज का, गुरबाज वाला ने पंखा लगा दिया भाई इसके ऊपर है, पंखा दे दिया भाई ऊपर, धूल मिट्टी ना आवे ड्राइवर पे, इसे धूल मिट्टी ड्राइवर पे नहीं आती भाई। देख लो कोई भी भाई लगाना चाहो तो लगा सकते है, कोई बड़ा काम नहीं है। टिक्की कटोरी लगा के, दो बैरिंग लगा के, 6 नंबर के एक पुली अटैचमेंट है इसके साथ, इधर लंबी साफ करके इसके इधर अटैचमेंट कर रखी है। ये ओवरऑल लुक दिखाऊंगा मैं गुरबाज रिपर का आपको, शक्तिशाली सुपर डीलक्स। इन्होंने भी भाई सेम 10 मेस वाला वो किया हुआ है, बस साइड बाय साइड उल्टी है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे 2170 बेल्ट दे दी, 2170 बेल्ट दे के इन्होंने बार बार पुड़ियाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने लोड नहीं पहन दी, UR बकरा के बैरिंग डाल दी भाई इन्हें, गुरबाज की बैजिंग बना रखी भाई, कहीं NRB का है कहीं UR बकरा का है। टायर दे दिए भी KT के 719 के भाई, ट्रैक्टर गुड्डी में, ट्रैक्टर टाइप गुड्डी है, पंखे की मोटाई बहुत बढ़िया है, डबल पंखा है, साइड से ओपन है, साइड से ओपन करके कोई भी काम कर सकते हो आप, नट बटाला सिस्टम, टेम जा लिया, पीछे लाइट भी दे रखी है, 2 टूल हैं, नई टेक्नोलॉजी नई टाइम के अनुसार मुझे इधर आके 2 ही कंपनी में इसमें मिली है, 2 रिपर में फिक्स की बेल्ट है, बेल्ट बहुत बढ़िया यूज़ की हुई है, 756 है, 56 इंची है, 7.5 फुट का कटर बार है इसका। ये रील आप देख सको हो किस टाइप में, कमेंट में बताना, जिस भाई ने भी पुराने टाइम से रिपर चलाए हुए है वो बताइए कमेंट में, कमेंट करके। ये गियर बॉक्स है इसका, भाई इसका ये खोलियो, ने साइड में ये दे दिया भाई उग रखने के लिए, रूटर का डायफ्राम बड़ा है, सिंगल ब्लेड लगाए हुए हैं, ब्लेड बिना लोक डबरी के हैं सारे, नट बोल्ट जो लगाए हुए हैं बिना लोक के हैं, पेंट की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क करे हुआ है, पेंट की क्वालिटी स्टोविंग पेंट नहीं है इस पर, ना ही कहीं ऊपर बास्केट है इसमें भी, ऊपर से देखने पर कुछ ऐसी लगा है। दसवें 517 स्ट्रोरी पर नई टेक्नोलॉजी के साथ है भाई। ये देखो फ्रंट ओकर बच्चू हुए कितने दे दिए इन्होंने, कोई भी ट्रैक्टर इस पर चल सकता है, ये कंपनी का कहना है। इसमें टायर दे दिए 650-20 के, थोड़ी यह देखो इस पर अलग अलग हैं, और ये आप थ्रेसर में देख पा रहे हो इसमें डबल ब्लेड की लाइन है, और ऊपर भी डबल ब्लेड की बास्केट दी हुई है एक साथ अटैच में। इसकी खासियत अभी दिखाऊंगा मैं, वीडियो में बने रही हो। इसका ऊपर साइड में कर दिया इन्होंने, चूहे देखो कितने लगा दिए इस पर, कैडे चूहे लगा दिए इस पर, बाकी पहले सीधे लगाना थे इन्होंने, सबसे पहले अलग तक लाए कैडे चूहे लगा दिए,
हाँ झुकेगा नहीं माल, थोड़ा थोड़ा लेता रहेगा, चलता रहेगा, डायरेक्टेबल लोड पड़ेगा। बहुत बढ़िया टेक्निक सबसे पहले इन यूज करी है, अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। और यो इन्होंने देखो ये 2170 बेल्ट डाल दी भाई, स्पीड चेंजर अपने आप, किसी भी ट्रैक्टर पर चलाओ बस रूटर के चक्कर अपने आप है, यहीं से कोई पुली चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बारे में इनकी कंपनी का कोई एक्टिव होगा उनसे बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, इसका प्राइस बता दो, आपका शुभ नाम। अंकुश शर्मा मेरा नाम है सर, ये हमारा दशमेश 517 स्टार रिपर है, ये वेरिएबल पुली के साथ है। ओके जी, ये चेंजर पुली है सर। अच्छा जी, ये चेंजर पुली है भाई। हाँ जी, इसका क्या बेनिफिट है, कल को जैसे आपके पास दो ट्रैक्टर हैं, आपने एक ट्रैक्टर जॉन डियर है उसका चला रहे हो, कल के आपने सगराज पे चलाना है, तो दूसरे रिपरों में क्या होता है उसकी बेल्टें और पुलियाँ बदलनी पड़ती हैं। इसमें आप इसके हैंडल से रोटेट करके आरपीएम सेट कर सकते हैं, 0 से लेके आप 1000 आरपीएम तक आप इसके सेट कर सकते हो। ये यहाँ पे मीटर दिया हुआ भाई, ये आरपीएम मीटर दिया हुआ है हमने डिस्प्ले में, इसमें आरपीएम शो करेगा आपके। इसमें ये खास बात है भाई, बिल्कुल खासियत है, और किसी कंपनी का नहीं है, दशमेश कोटला ने ही ये डिज़ाइन कराई है। यस, फर्स्ट डिज़ाइन है भाई, फर्स्ट डिज़ाइन है इसकी कैटेगरी में, सबसे पहले इन्होंने ये बाजी मारी है। पाउडर कोट पेंट है इसके ऊपर, क्वालिटी मेंटेन करी हुई है कंपनी ने, 11 नंबर बैरिंग लगे हुए हैं इसमें, 11 नंबर बैरिंग है भाई। हाँ जी, और टायर जो है 650 का टायर है, 211 नंबर के हैं, और रूटर के बैरिंग भी 211 के हैं। गाइड ड्रम के कितने हैं भाई जी? 11 नंबर, नहीं 7 नंबर है, ये 9 नंबर है, 9 नंबर है भाई, गाइड ड्रम के बैरिंग 9 नंबर है, और डबल ब्लेड दिया हुआ है इसमें, ब्लेड में है एक ही, दोनों ब्लेड आप खोल सकते हैं, दो ब्लेड डबल ब्लेड है भाई, ठीक है, रूटर भी पूरा है, अभी नया है, जैसे ऑल ओवर 29 इंच है। उसका बेनिफिट क्या, कई बार लान गिल्ला आ जाता है, हमारा रिपर चोक नहीं होता, दूसरे रिपर चोक हो जाते हैं, ठीक है जी। ये भाई का कहना है कि रिपर चोक नहीं होता, ये रिपर आप चला के देखो बहुत अच्छा चलता है, ऊपर भी डबल बास्केट दी हुई है, डबल ब्लेड इकट्ठा एक साथ इकट्ठा करके, आप बाकी क्वालिटी आप देख पा रहे होगे, पेंट पाउडर कोट पेंट है, पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, डबल फ्लोर में है, डबल पक्के हैं भाई। ये इसका ट्रे सिस्टम, ये ट्रे सिस्टम है जी, वेट क्या है जी? वेट है इसका जो है 20 क्विंटल, वेट है 20 क्विंटल के आसपास इसका वेट है। और इसका प्राइस क्या है जी? इसका प्राइस जो है, ये इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 107 फुट गटर बार में आता है, एक 7.5 फुट में आता है, 5000 रुपये का, ये 7.5 फुट वाला, ये 7.5 फुट वाला है भाई, और 7,55,000 रुपये का अभी जो प्राइस, और वो जो 7 फुट का गटर बार में है वो 350 का, 5000 का ही फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं भाई। वो कितना लंबा है? 7 फुट है वो, 7 फुट है जी, ये 7.5 फुट है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। और केस का जो कटर बार है वो कितने फिट का आता है? दोनों मॉडल आते हैं, 7 भी आता है, 7.5, 7.5 दोनों आते हैं। इसमें साइड बाय साइड चूहे दे दिए, टेढ़े करके दे दिए भाई चूहे, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। धन्यवाद भाई, वीडियो में कोई कमी हो तो बता दियो, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, चैनल में सब्सक्राइब करियो भाई। डांगी फार्मेसी न्यूज की ओर से आपको धन्यवाद, स्वागत है भाई। ये जगजीत का स्टोरी पर है, 56-57 इंची, इसका रिव्यू करेंगे हम। या कछुए की जगह पे देखो, इन्होंने पत्ती वाले को दे दिया, पत्ती लगा दी, गाइड ड्रम का पत्ती देख सको आप, देख कितनी लंबी दे रखी है, गाइड ड्रम का पत्तियाँ बहुत है। अगर फिंगर की ओर तो लगा है, ब्लेड इन्होंने अपना आपका लगाया, ब्लेड भी जगजीत का ही मार्के का ब्लेड लगाया हुआ है अंदर, इन्होंने ऊपर बास्केट नहीं दी हुई 2023 मॉडल में। क्या 57 इंची है,
डबल पक्के में है भाई। डबल पक्के में है, पक्के की मोटाई आप देख सको हो, फ्रेज मोटाई ठीक है। ये टूल बॉक्स दिया है इन्हें, पानी वगैरह डालना, एक ये टूल बॉक्स दिया है, एक उधर टूल बॉक्स दिया है, पीछे की लाइट भी दिया है। जगजीत ग्रुप लिखने लग गई है, जगजीत तीमा मंडी, 50-20 का टायर है एक्ट्रो गुड्डी में। इधर पुड़िया डलेंगी, 11 नंबर का बैरिंग है। इधर रोटावेटर गियर बक्सा, ये प्लेट है, NRP का बैरिंग है भाई, 210 का बैरिंग है शायद, 7 नंबर का बैरिंग है। मैंने पूरी प्लेट बॉडी कर दी, यहाँ पे भी ऊपर प्लेट लगा कर नीचे चादर दे दी। ओवरऑल लुक देख सको आप, गियर बॉक्स पेंट क्वालिटी बेस्ट, बढ़िया भाई, पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैरिंग सारे NRB के यूज किए हुए हैं। बस ऊपर की बास्केट कम कर दी, ये न्यू डिजाइन में देखो क्रोम प्लेट। मुझे लगता है जमींदार ने शौकिया ज़्यादा हो गया, कई कंपनियां शौकिया चीज़ ज़्यादा लान लगी, पहले जमींदार यूज करने वाली चीज़ ला देखा करता किसमें के फैसिलिटी, शौकिया हो गई पब्लिक शौकिया होगी तो कंपनियों ने भी शौकिया माल लाना शुरू करता। 5 मिनट है इस समय,